शेख, ये बात मतलब किस हद तक सही है कि मतलब कोई आदमी दूसरे के मोबाइल के जो मैसेंजर, व्हाट्सएप, गैलरी है, ये सब चेक नहीं कर सकता है उसकी इजाजत के बगैर? ये बात मुकम्मल तौर से सही है, मुकम्मल तौर से सही है, और ये बहुत सेंसेटिव मसला है। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वला तजस्सुसू, जासूसी मत करो, एक दूसरे के टोह में मत पड़ो। और आपको मालूम है कि मोबाइल इतना पर्सनल मामला है, उसमें इंसान पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें रखता है, बिल्कुल पर्सनल मामला है। अब अगर किसी का मोबाइल उसकी इजाज़त के बगैर आप खोल रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, तो ये तो तजस्सुस है और ये हराम है। अगर आपके घर में कोई दाखिल हो जाए आपकी इजाज़त के बगैर और आपके घर को इधर उधर वो जो है चेक करे, तो क्या आप पसंद करोगे? तो मोबाइल का मसला तो इससे भी ज़्यादा सेंसेटिव है। तो ये बिल्कुल हराम है, किसी भी तरह से नहीं जायज़ है कि किसी का मोबाइल उसकी इजाज़त के बगैर आप चेक करो।